हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 30 तारीख की एक और अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ गई है। एक तो पहले हमारे यहाँ की अनाउंसमेंट थी अजय देवगन की भोला, लेकिन उसके टक्कर में एक और अनाउंसमेंट आई है। पिक्चर का नाम है दशहरा, स्टारिंग द नेचुरल स्टार नानी एंड कीर्ति सुरेश। उसका ट्रेलर रिलीज हो गया। हमारे साथ में आ गया हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। ट्रेलर देखा है आपने नेचुरल स्टार नानी की पिक्चर दशहरा का, कैसा लगा आपको? देखो मैं फिर एक बार बोलूँगा कि ये लोग ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। अल्लू अर्जुन टाइप फिल्म लग रही है, वही लुंगी पे दाढ़ी, पता ना गंदा हीरो है ये, तो ये अपना कल्चर छोड़ा नहीं जी। जो जैसे वहाँ रहते हैं वैसी फिल्म बनी है, अलग टाइप का एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है। मतलब ये पुष्पा टाइप मुझे पिक्चर लग रही है, फुल एक्शन लग रही है, उसमें कॉमेडी भी है, मतलब मज़ा आएगा मुझे ऐसा लगता है। ओके, लेकिन टक्कर में है भोला टक्कर में। हाँ, अभी ये दोनों पिक्चर एक क्लैश हो रही है 30 तारीख को। 30 तारीख गुरुवार है, रामनवमी है जी, इसलिए लोग रिलीज कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन का वीकेंड मिल जाएगा लोगों। हीरोइन का झलक थोड़ा सा बताया, कीर्ति सुरेश लगी वो झलक, जरा सा झलक बताया और बाल झटक के चली गई। ओहो कुछ ज़्यादा बताना चाहिए था तो एक डायलॉग बहुत अच्छा है, शराब पी के गलती करना गलत बात है, पर गलती करके भूल जाना वो भी बहुत गलत बात है। ये डायलॉग बहुत अच्छा था, फुल एक्शन है, एक्शन पैक पिक्चर है। अभी तो छोटा सा ट्रेलर था जी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। ट्रेलर लॉन्च किया है इन्होंने लखनऊ में जाके, यस। एंड आपको क्या लगता है विजय जी कि फिल्म यहाँ पे थोड़े बहुत जब साउथ की फिल्में आती तो प्रमोशंस की कितनी ज़रूरत पड़ती है हिंदी बेल्ट में? यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी आजकल आपका साउथ की मूवीज़ यहाँ पर बहुत चलती है, तो ये लोग को मुंबई में आके प्रमोशन करना पड़ेगा खास। और मतलब खास करके बोले गेटी गैलेक्सी में आई है, कि ये मुंबई का एक हब माना जाता है, कि मुंबई में गेटी गैलेक्सी में अगर पिक्चर हाउसफुल होती तो ऑल ओवर इंडिया हाउसफुल चल जी। यस, ये गेटी गैलेक्सी खासियत है जी, बरसों से रहा ऐसा ही। मैंने कहता हूँ लोगों का मानना ही है, करेक्ट। और वहाँ के लोग भी कहते, पता नहीं अगर गेटी गैलेक्सी पिक्चर सुपर हिट होगी हर जगह हो जाती है, ये कमाल की बात है। तो पूरे टीम ने यहाँ पे आना चाहिए, हिंदी बेल्ट में प्रमोशन करना चाहिए, इंटरव्यूज करने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। क्योंकि जब पुष्पा आई थी तो अल्लू अर्जुन भी आए थे, भले एक दिन के लिए आए थे लेकिन सबसे मिलके गए थे। तभी तो लॉकडाउन का भी पीरियड चल रहा था तो ज्यादा टाइम रुक नहीं पाए थे। वो आए थे, रॉकी भाई आए थे, रॉकी भाई आए थे, सब आके गए, रामचरण आए थे। यस, सबकी पिक्चर सुपरहिट हुई थी। यस, मैं तो ये हीरो भी आना चाहिए तो जरा मजा आएगा, लोगों को पता चलेगा भाई ये हीरो भी है। यस, अल्लू अर्जुन टाइप। नेचुरल स्टार नानी की फिल्म जर्सी आई थी जी, उसका रीमेक शाहिद कपूर ने किया था सेम नाम के साथ में, जर्सी। लेकिन वो नहीं चली थी और वो साउथ की चली थी। अब ये देखते हैं क्या है। विजय, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आके करना चाहिए, तो मुझे एक SS राजामौली का इंटरव्यू याद आया जी, जब वो प्री रिलीज इवेंट पे आए थे, उन्होंने कहा था कि सारे जगह प्रमोशन करो लेकिन मुंबई में प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आपको क्या कहना है इस पे? यस, मुंबई एक ये है बॉलीवुड के लिए कि यहाँ से कलेक्शन ज़्यादा आते हैं मुंबई से। मुंबई में फर्स्ट लोग जैसे साउथ में जाते हैं ऐसे मुंबई में लोग जाते हैं जी, टिकट विंडो पे लाइन लगती है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पिक्चर धमाकेदार ओपनिंग मिलती है तो ऑल ओवर इंडिया में मिलती है। ऐसे राजामौली का सही बात है कि मुंबई में प्रमोशन करना चाहिए, ये लोग भी आएगा तो अच्छी बात है। यस यस, आखिरी सवाल ये क्लैश पे पूछना चाहूँगा, क्या लग रहा है भोला और दशहरा? हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्यों भोला भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है और ये भी ज़बरदस्त लग रही है। हालांकि हॉलीडे है, रामनवमी है, तो फ्राइडे को जो पिक्चर हिट होगी वो लोग फ्राइडे को जाएगी जी, ये बात होगी। अगर दोनों हिट होगी तो दोनों का कलेक्शन डिवाइड होगा। ओके ओके, ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप देखोगे विजय, दोनों पिक्चर भोला और दशहरा आपके पास आएंगे, हम आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन जानने के लिए। क्योंकि विजय जी आप एक आम आदमी की आवाज़ हो और लोग बहुत भरोसा करते हैं आपकी आवाज़ पे, क्या बात है? आपके रिव्यू पे, और जब आपके रिव्यू के बाद ही बॉक्स ऑफिस पे लाइन लगती है। थैंक यू।